पाकिस्तानी पायलट रफाल और मिग 29 के साथ कर रहे हैं एक्सरसाइज। साथ ही खबर है कि पाकिस्तान पायलट राफेल फाइटर जेट को भी उड़ा रहे हैं, जो भारत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो पूरी बात को समझेंगे कि इससे इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही इंडियन एयरफोर्स इसके लिए कैसी तैयारी रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में रफाल फाइटर जेट शामिल हुए हैं। अगर आपको रफाल फाइटर जेट के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वापस टॉपिक पर आते हैं, 36 रफाल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए हैं। अब तक पाकिस्तान के लिए मिराज 2000 और सुखोई SU-30 MKI ही सिरदर्द बने हुए थे, पर अब तो सबसे ऊपर रफाल भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। एयरफोर्स ने 36 रफाल को पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना को काउंटर करने के लिए खरीदा है, पर अब पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इंडियन एयरफोर्स को टक्कर देने के लिए हाथ पैर मार रही है। इसमें इनकी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान काका यानी तुर्की। फिलहाल तुर्की में एक एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज को एनाटोलियन ईगल 2021 का नाम दिया गया है। इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान, तुर्की, कतर और अजरबैजान ने पार्टिसिपेट किया है। इस एक्सरसाइज के बारे में तुर्की का कहना है कि इस युद्धाभ्यास से चारों मित्र देशों की जानकारी, युद्ध कौशल और एक्सपीरियंस को शेयर करना है। इससे इन्हें दूसरे देशों को सिखाने का मौका मिलेगा। इसमें कतर की 4 रफाल फाइटर जेट ने हिस्सा लिया है, अजरबैजान के 2 मिग 29 और पाकिस्तान के 5 JF-17 ब्लॉक 3 ने हिस्सा लिया है। इसमें बिल्कुल युद्ध जैसे हालात में एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है, जिससे इन्हें और ज़्यादा सीखने का मौका मिल सके। पाकिस्तानी JF-17 इस वक्त तुर्की में रफाल फाइटर जेट के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान की एयरफोर्स मिग 29 के साथ भी रियल वॉर की तरह एक्सरसाइज कर रही है। यह एक्सरसाइज 3 जुलाई तक चलेगी। इस एक्सरसाइज की हेल्प से पाकिस्तान को रफाल और मिग 29 की काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मिग 29 और रफाल दोनों इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है, ऐसे में पाकिस्तानी पायलट को इन दोनों फाइटर जेट की वीकनेस या फिर जंग में इनसे कैसे लड़ा जाए इनकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। माना जा रहा है कि तुर्की भी पाकिस्तान को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट की इंफॉर्मेशन दिलाने में हेल्प कर रहा है। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि पाकिस्तानी पायलट भी रफाल फाइटर जेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, पर फ्रेंच गवर्नमेंट ने रफाल में ट्रेनिंग वाली खबर को बिल्कुल फर्जी करार दिया था। एक मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रांस में पाकिस्तानी पायलट को रफाल फाइटर जेट में ट्रेनिंग दी जा रही है। खबर यह भी आई थी कि पाकिस्तान के एक्सचेंज पायलट जो कतर की एयरफोर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें रफाल उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी पायलट इंडियन पायलट से भी पहले रफाल को उड़ाना सीख चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि JF-17 ब्लॉक 3 दूर तक निगरानी कर सकता है, साथ ही इसे मॉडर्न रडार सिस्टम और हवाई हमला करने में कैपेबल बनाया गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ का कहना है कि ये इंडियन एयरफोर्स के पाकिस्तानी एयर स्पेस के उल्लंघन करने पर जवाबी कार्रवाई करके अपनी क्षमता को दिखा चुका है। पर इनको मैं बता दूं कि जब इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 ने एयर स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान के एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को इसके भनक तक नहीं लगी थी। साथ ही जब मिग 21 जिसमें अभिनंदन सर थे, उनकी जब F-16 के साथ फाइट हुई थी तो JF-17 5-10 किलोमीटर पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अब बात करें इंडियन एयरफोर्स की तैयारी की, तो चाहे पाकिस्तानी एयरफोर्स कितने एक्सरसाइज कर ले, कितनी भी ट्रेनिंग ले ले, वो आज तक भारत को नहीं हरा पाए हैं और ना ही ऐसा फ्यूचर में होगा। पहली बात करें तो हमारे पास काफ़ी वैरायटी में फाइटर जेट हैं। हमारे पास रफाल और मिग 29 के अलावा भी मिराज 2000, सुखोई SU-30 MKI, जैगवार और मिग 21 है। साथ ही काफ़ी ट्रेंड पायलट भी है जो मिग 21 से F-16 तक को गिरा सकते हैं।
इससे हटकर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने MiG-29 को MiG-29 UPG स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर रखा है, जो इसे किसी भी ऑर्डिनरी MiG-29 से सुपीरियर बनाते हैं। वहीं पर जो हमने रफाल खरीदे हैं उनमें पहले ही काफ़ी मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं, साथ ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले, पर ये JF-17 और F-16 के दम पर इंडियन एयरफोर्स को कभी नहीं हरा सकते। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।